हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर है इसमें और हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और शुरू के लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हमने मनी मार्केट को कंप्लीट में डिस्कस किया। फिर लेक्चर नंबर 3 में हमने कैपिटल मार्केट का इंट्रोडक्शन लिया। लेक्चर नंबर 4 में हमने शेयर मार्केट के बारे में जाना। लेक्चर नंबर 5 वी डिस्कस अबाउट प्राइमरी मार्केट, उसकी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमने डिस्कस किया, लाइक आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। फिर इसके बाद एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट हमने डिस्कस किया। और एट द एंड हमने स्टॉक मार्केट को कैपिटल मतलब सेकेंडरी मार्केट को प्राइमरी मार्केट से डिफरेंशिएट किया। और यहाँ पर हम कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, विच आर रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे सारे के सारे लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द प्लेलिस्ट इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज, फाइन। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के सारे लेक्चर मिल जाएंगे जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। और वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, फाइन। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के टॉपिक्स देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 3, 4, 5 एंड फाइनली एट द एंड लेक्चर नंबर 6 को हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे कि जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होती है, फाइन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टर्म विच इज एक्चुअली नेम्ड एज इट इज नेम्ड एज मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जो कंपनी है, ठीक है, मतलब जो हमारी डिजायराइज कंपनी है, हम डिजायराइज कंपनी को ही लेक्चर नंबर 1 से लेके चल रहे हैं, तो अभी हम डिजायराइज कंपनी को ही लेके चलेंगे बिकॉज आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जो डिजायराइज नाम की कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, ठीक है, दैट इज वॉट वी कॉल एज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब कि अगर मुझे डिजायराइज कंपनी कल बेचनी हो तो उसका मतलब मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है, मतलब कौन मतलब कितने में खरीदेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो हमारी दैट मींस द टीम विच इज नेम्ड एज या पंजाब आईपीएल टीम, ठीक है, किंग्स इलेवन पंजाब, इट इज एक्चुअली नियर अबाउट 14 बिलियन डॉलर व्हाटएवर बी इट इज, बट इट इज एक्चुअली मार्केट वैल्यू ऑफ दैट टीम, ठीक है, दैट कंपनी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो मतलब जो कंपनी रहती है उसकी जो मार्केट वैल्यू रहती है उसे हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। और मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाला जाता है, जो एक शेयर की वैल्यू रहती है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने भी शेयर कंपनी में अवेलेबल हो, ठीक है। एक बार आप स्टॉक मार्केट में आ गए तो आपके कंप्लीट शेयर सबके सामने आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो हमारी डिजायराइज नाम की कंपनी थी, आपने देखा पिछले एग्जांपल हमने बताया कि 100 शेयर थे जिसमें हमने 50 शेयर बेच दिए थे और बाकी के शेयर प्रमोटर जो हम थे उन्होंने होल्ड करके रखा था, ठीक है। तो 100 इंटू एक शेयर की कितनी वैल्यू मैंने बताई थी उसकी, ₹50। तो 100 इंटू 50 कर देंगे तो आपके सामने कंपनी की वैल्यू हो जाएगी 5000, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ डिजायर आईएस। तो आप समझ चुके हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके सामने पोस्ट करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो है उस कंपनी का क्या नाम है, मतलब सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू किस कंपनी की है वो आपको बताना है वर्ल्ड वाइड में। और इंडिया में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है, ओके। ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करिएगा, फाइन। सो नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट टर्म इज बुल्स एंड बेयर्स, ठीक है। बुल्स क्या होते हैं और बेयर्स क्या होते हैं, फिर आप सिंपली आपने न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ा होगा कि मार्केट इज गेटिंग बुलिश, मार्केट इज गेटिंग बेयरिश, ठीक है। तो क्या मतलब होता है उसका, देखिए मार्केट में ना दो टाइप के लोग पाए जाते हैं, एक होते हैं बुल्स और दूसरे होते हैं बेयर्स। अब बुल्स क्या करते हैं, बुल्स हमेशा सोचते हैं कि मार्केट पॉजिटिव साइड में जा रहा है। देखिए मार्केट का ग्राफ होता है, मार्केट का ग्राफ इस तरह उल्टा वी होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा उल्टा वी, ठीक है। अब उस उल्टे वी ग्राफ में क्या होता है कि जो चीज ऊपर जाती है वो एक दिन नीचे जरूर आती है, एज न्यूटन सेड, जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, ठीक है। मतलब मार्केट एक तरीके से एक मतलब बहुत ज्यादा परफॉर्म करेगा लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन मार्केट मतलब नीचे गिरना चालू कर जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो बुल्स रहते हैं वो सोचते हैं कि हमेशा मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए मतलब हम लोग हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं हमेशा शेयर खरीदते रहते हैं, सोचते हैं यार मार्केट ऊपर जा रहा है शेयर खरीदो, जब मार्केट और ऊपर जाएगा तब मैं बेचूंगा। लेकिन बेयरिश क्या रहता है, बेयरिश बिल्कुल इनका उल्टा सोचते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं यार मार्केट बहुत ऊपर चला गया अब तो मार्केट गिरने वाला, लाइक दैट दे थिंग, ठीक है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जल्दी जो भी शेयर रहते हैं वो बेच देते हैं, वो लोग सोचते हैं कि चलो यार जितना पैसा निकाल रहा है वो निकाल लेते हैं, मार्केट हाई पीक में जितना गिरेगा तो उतना पैसा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जब क्या रहता है, जब मार्केट में लोग बहुत ज्यादा शेयर खरीदना चालू करते हैं, जब बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिव सोचते हैं तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि मार्केट इज गेटिंग बुलिश, ठीक है। लेकिन जैसे ही जब लोग बहुत ज्यादा शेयर बेचना चालू कर देते हैं या मार्केट डाउन ट्रोडन हो जाता है तो उस टाइम बोलते हैं कि मार्केट इज गेटिंग बेयरिश। So I have explained you the important terms market capitalization and bullish and bearish market क्या होता है। हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लू चिप कंपनीज की, ब्लू चिप कंपनीज क्या होती है, ठीक है।
ब्लू चिप कंपनीज वो कंपनीज होती है, इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 या 4 में बताया था कि जो भी इंडेक्स में रजिस्टर्ड रहती है, लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि जो भी इंडेक्स में रजिस्टर्ड रहती है वो ब्लू चिप कंपनीज होती है। अब आपको यहां पर बताता हूं कि ब्लू चिप कंपनीज क्या होती है। ब्लू चिप कंपनीज वो रहती है जो कि पिछले कुछ दशकों से लगातार मतलब टॉप में रही हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में डिजायर इज एट द टॉप, ठीक है। हम लगातार फ्री एजुकेशन अच्छे लेवल में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। सो हमारी कंपनी लगातार टॉप में है। इसके बाद हम लगातार हमारी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट्स होने के बाद हमारी कंपनी के एसेट्स बहुत ज्यादा हैं, हमारी कंपनी की लायबिलिटी बहुत ही कम है, मतलब सबको हमने पैसे दे के रखे हैं। साथ ही साथ हमारी जो मार्केट के शेयर है वो बहुत ज्यादा है, और जो भी हमारे शेयर होल्डर है उनको लगातार डिविडेंड मतलब प्रॉफिट हम लगातार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब जो कंपनी बिल्कुल टॉप में हो, ठीक है, बिल्कुल टॉप परफॉर्मिंग में हो, उसे हम बोलते हैं ब्लू चिप कंपनीज। अब इंडेक्स में जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज रहती हैं वो ब्लू चिप कंपनीज रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ब्लू चिप कंपनीज आपको शेयर मार्केट में मिले, ठीक है, इंडेक्स में मिले। क्यों? बिकॉज ऐसी भी कुछ कंपनीज हो सकती हैं जिन्होंने अब तक अपने शेयर्स रिलीज ना किए हो, मतलब प्रमोटर ने सोचा हो कि क्यों मैं स्टॉक मार्केट से पैसे लूं, मेरे पास तो खुद बहुत पैसे है, मेरी कंपनी परफॉर्म कर रही है, क्यों मैं अपनी कंपनी के शेयर बेचूं, मैं खुद ही 100% मालिक रहना चाहता हूं, ठीक है। तो वो भी ब्लू चिप कंपनी है, क्योंकि वो भी जो प्रमोटर की कंपनी है वो भी बहुत एट द टॉप परफॉर्म कर रही है, लेकिन आज तक उसने स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं लिया। तो ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो इंडेक्स में रजिस्टर्ड नहीं रहती लेकिन ब्लू चिप कंपनीज होती हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, बिकॉज वो लोग पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, कि 1-2 करके कि ऐसी ब्लू चिप कंपनी जो इंडेक्स में है लेकिन ऐसी समथिंग लाइक दैट, वो लोग आपसे कुछ घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। फिर चौथा इंपॉर्टेंट टर्म आता है हमारे सामने, उसे हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अब देखिए एक कंपनी है, ठीक है, डिजायराइज कंपनी है, उसमें हो सकता है कि किसी को हमारे सारे सीक्रेट्स पता हो, जो बाहर से बहुत हेल्प करता हो हमारी कंपनी के, उसे सीक्रेट्स बहुत ज्यादा पता हो। डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, नॉट डोंट टेक डिजायराइज, लेट्स टेक अ कंपनी एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड कंपनी है, उसके अंदर हम सब काम कर रहे हैं, ठीक है, आप सब मैं आप सब मिलकर काम कर रहे हैं। अब उसमें उस कंपनी के बारे में किसी को बाहर वाले को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो किसी मेंबर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है कि कब इसके शेयर बढ़ेंगे, कब शेयर घटेंगे, क्या इसका सिचुएशन है, ठीक है, क्या ये लोग करने वाले, कंप्लीट जो स्ट्रेटेजी है वो एक बंदे को पता है, उसे हम बोलते हैं मतलब इनसाइडर ट्रेडर। अगर मान लीजिए उस कंपनी की शेयर उसे पता है और उसने जाके शेयर मार्केट में शेयर खरीदना या बेचना चालू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, सो एक्चुअली उसने क्या किया, एक इलीगल काम किया। वैसे किसी को पता नहीं रहता कि शेयर किस कंपनी के शेयर कितना बढ़ेंगे घटेंगे, तो उन लोग तो मतलब स्पेकुलेशन करते, लेकिन यहाँ पर से सारी इन्फॉर्मेशन थी, उसने शेयर खरीदना बेचना चालू किया, उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया। सो इट इज इलीगल एक्टिविटी, ठीक है, इसलिए इसे हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडर, ठीक है। और सेबी इसी के खिलाफ, मैंने याद है आपको जब लेक्चर नंबर 1 में बताया था, सेबी देखती है कि क्या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी चल रही है शेयर मार्केट में, तो ये एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है जिसके पीछे कंपनी जो हमारा जो दैट मीन सेबी रहता है वो नजर रखे रहता है कि कौन सी कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, मतलब वो कंप्लीटली जब कोई बहुत बल्क में शेयर खरीद लेता है तो सेबी को डाउट होता है कि नहीं यार, मतलब एकदम से बल्क में शेयर खरीद लिए, क्या हो गया ऐसा, तो वो देखता है इसका रिलेशन दिखेगा कि कंपनी से कैसा है, अगर उसे लगता है कि नहीं ये डाउटफुल है तो उसे इनसाइडर ट्रेडर डिक्लेयर करके इसे मतलब कुछ पीनल प्रोविजन है, ठीक है। एक और फिर इलीगल एक्टिविटी आती है शेयर मार्केट में जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग, जिसके पीछे जो सेबी रहता है बहुत ही अच्छी नजर बना के रखता है, ठीक है। अब ये सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होती है आपको यहां पर इस चीज से समझना पड़ेगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी सेटअप की, अब वो कंपनी शेल कंपनी, अब शेल कंपनी क्या रहती है कि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, सिर्फ मतलब सिर्फ किसी अपने मकसद के लिए बनाई गई थी, मतलब किसी का प्रॉफिट ऑफिट करना नहीं है, ठीक है। अब मैंने एक शेल कंपनी बनाई जिसका नाम है एक्स वाई जेड। अब इस कंपनी को मैंने क्या किया, शेयर मार्केट में रजिस्टर कर दिया, ठीक है। अब इसको शेयर मार्केट में रजिस्टर कर दिया, अब इसी इस कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो कोई इसके शेयर खरीदेगा भी नहीं, सब आप जानते हैं कि शेयर किसी कंपनी की तभी खरीदे जा सकते हैं जब वो कंपनी प्रोग्रेस करने वाली हो, लेकिन जिस कंपनी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो शेयर मार्केट में मैंने किसी इलीगल तरीके से रजिस्टर कर दी, तो उसके शेयर कौन खरीदेगा। मैं क्या करूंगा, अपने 3-4 दोस्तों को बोलूंगा कि तुम इसके शेयर खरीदना चालू करो, जैसे कि मैंने ए को बोला कि तुम इसके शेयर 5 रुपए में खरीदो, फिर मैंने बोला कि बी को कि तुम ए से इसके 10 रुपए में शेयर खरीदो, फिर मैंने सी को बोला कि तुम 10 रुपए वाले शेयर 15 रुपए में खरीदो, तो आप देखेंगे यहां पर जो एक कंपनी है उसका ग्राफ बढ़ना चालू हो जाएगा, तो अब लोगों की नजर उसमें जाएगी, ठीक है, जैसे वो ग्रो करना चालू करेगी लोगों की नजर उसमें जाएगी, लेकिन एक्चुअली में तो मैंने अपने दोस्तों को ही बोला है कि आप इसके शेयर खरीदो, मतलब एक्चुअली मैं अपने से पहले कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, जैसे बदमाश कंपनी थोड़ा बहुत आपको याद होगा, ठीक है, जिसमें वो आखिरी में एट द एंड वो चिंग और जो भी लोग रहते हैं उनको बोलते हैं कि आप शेयर खरीदना चालू करो। अब जैसे ही वो कंपनी जो रहेगी वो बढ़ना चालू हो जाएगी, ठीक है, तो
आप एट द एंड क्या करेंगे कि अब लोग और खरीदना, मतलब लोगों को लगेगा नहीं यार मतलब इसकी कंपनी तो एकदम से 5 से 10 शेयर हो गए, मतलब किसी भी कंपनी के 5 से 10 नहीं जाते, 5.1 5.2 ऐसे बढ़ता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो अब बाकी जो रियल इन्वेस्टर रहेंगे, यहाँ पर तो सबके साथ फेक थे, ए बी सी तो मेरे फ्रेंड्स है जिन्होंने खरीदा, ठीक है, अब जो रियल वाले इन्वेस्टर रहेंगे वो लोग खरीदना चालू करेंगे, बोलेंगे नहीं यार इस कंपनी में बहुत एपेटाइट है, तो ये लोग मुझसे सी से बी से ए से शेयर खरीदने चालू कर देंगे, सर हमें भी शेयर बेचना चालू कर दो। तो अभी जो शेयर रहेंगे वो मैं 15-20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए बेचूंगा, जिस शेयर की वैल्यू शायद तक 1 रुपए भी नहीं थी उसको सबसे पहले मैंने 15 रुपए बचाया, 15 रुपए बनाया, अब उनको 50-50 रुपए बेच रहा हूं, ठीक है, अब वो लोग शेयर खरीद के रख लेंगे अपने पास। लेकिन इस कंपनी के शेयर क्यों बढ़ रहे थे आपने देखा, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को बोलूंगा, मैं अपने फ्रेंड्स को बोलूंगा कि नहीं यार हमने बहुत पैसे कमा लिए, हमें अपने से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम पीछे हट जाते हैं। तो आप देखेंगे एट द एंड ये जो शेयर थे, जो शेल कंपनी थी, अब वो शेल कंपनी थी नहीं तो परफॉर्म कैसे कर रही थी, जस्ट बिकॉज मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला इसलिए परफॉर्म कर रही थी, अब मैंने उनको भी हटा लिया तो उस कंपनी के शेयर बढ़ना चालू नहीं होंगे, वो एटलीस्ट एक्चुअली उनके अब शेयर घटना चालू जाएंगे, बिकॉज अब आप देखेंगे वहां पर आप किसी कंपनी का बिल्कुल डाउन ट्रेड रहेंगे, 15 रुपए से बढ़ी नहीं रहा है, और जब आप उसे बेचना चालू करेंगे दूसरे इन्वेस्टर को बोलेंगे कि भाई ये क्या बोच रहे हैं, मतलब जो कंपनी इतने साल में परफॉर्म नहीं की मैं उसके 15 रुपए नहीं दूंगा, कोई बोलेगा मैं 10 रुपए भी नहीं दूंगा, कोई बोलेगा मैं 5 रुपए भी नहीं दूंगा, कोई बोलेगा मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगा, तो चलिए उस कंपनी के शेयर पूरी तरीके से 0 रुपए वैल्यू पे आ गए, ठीक है, और जो बाकी जो एबीसी और मैं तो मेरे फ्रेंड थे उन सबने प्रॉफिट कमा के शेयर मार्केट से भाग गए। तो इसे हम बोलते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग। अब सर्कुलर ट्रेडिंग क्यों, क्योंकि बिकॉज हमने 5 रुपए से चालू किया, फाइनली एट द एंड सर्कल वे में उसका प्राइस 0 रुपए हो गया, मतलब 0 रुपए से हमने शेयर चालू किया था, जैसे 5 रुपए बढ़ाया 10 रुपए बढ़ाया 15 रुपए बढ़ाया और एट द एंड उस शेयर का प्राइस क्या हो गया 0 रुपए हो गया, इसलिए हम उसे बोलते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सर्कुलर ट्रेडिंग। ये दो ऐसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है जिसके पर सेबी अपनी बहुत ही कड़ी नजर रखता है, कई बार इन लोगों को पकड़ा गया है, हिंदू में कई बार न्यूज आती है कि सर्कुलर ट्रेडिंग में ये कंपनी पकड़ी गई, इनसाइड ट्रेडिंग में ये बंदा पकड़ा गया एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होती है, इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है, ब्लू चिप कंपनीज क्या होती है, और न्यूज़पेपर समझने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। अब आप इसके बाद शेयर मार्केट की कोई भी न्यूज़ पढ़ेंगे या इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। ओके, सो दिस वॉज द इंपॉर्टेंट लेक्चर फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी हैव एक्चुअली एंडेड दिस लेक्चर, फाइन। और एट द एंड अगेन आई विल ट्राई टू रिमाइंड यू दैट अगर आपने हमारे बैंकिंग के लेक्चर नहीं देखे हैं तो बैंकिंग के लेक्चर जरूर देखिए, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 भी जरूर देखिए, जिसमें हमने डिस्कस किया था हमारे कैपिटल मार्केट मनी मार्केट के बारे में, और लेक्चर नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, फाइन, एंड वी आर लेफ्ट विद दीज 4 लेक्चर दैट विल बी कवरिंग वेरी सून, फाइन। सो बैंकिंग लेक्चर आप हमारे कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं जिसका नाम है इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विस। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, गुड बाय।